स्वागत है आप सबका जन जागृत न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं नगर पंचायत भारतगंज के वार्ड नंबर 4 के सभासद चमन भाई से बात करके जानते हैं समाजवादी पार्टी के किस पद पे उनको मनोनीत किया गया, लेते हैं पूरी जानकारी। आइए आज आपको हम रूबरू कराते हैं, मिलाते हैं यहाँ के जो कि लोकल नाम चमन भाई हम लोग कहते हैं, ये नगर पंचायत भारतगंज के एक सभासद हैं वार्ड नंबर 4 के, और बात करते हैं उनके बारे में, लेते हैं थोड़ी जानकारी। आज कुछ उपलब्धि है पाए हुए हैं ये, उसके बारे में उन खुशियों के बारे में बांटा जाए, बात किया जाए। वार्ड नंबर 4 मोहल्ला कदम सभासदपति गुलाम साबिर रोड पर चमन, मैं भारतगंज का निवासी हूँ। जैसे कि आज जिस तरह से सुनने में आया है कि आपको सपा समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पद दी गई है, जो जिम्मेदारी दी गई है, कुछ उसके बारे में बताएं। हाँ, समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष माननीय योगेश यादव जी, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उन्होंने हमें बनाया है समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष। ये मीटिंग कहाँ हुई थी? मीटिंग तो इलाहाबाद है। इलाहाबाद जी, वो तो लखनऊ से प्रदेश अध्यक्ष के योगेश यादव जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, वो लिख कर दिए थे, फिर वहाँ से आए लखनऊ। तो इस जिम्मेदारी जो आप पाए हुए हैं, इसको किस तरह से निर्वहन करेंगे, कुछ उसके बारे में बताएं। अब जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, अब इसको मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, और जितना भारत के बूथ है, सभी बूथों पे सब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जोड़ेंगे, और मेहनत करके हर बूथ पे चुनाव जिताने का काम करेंगे। माननीय जिला अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार जो उसको काम किए, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ पे यही संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी 5 साल पहले मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने बेहतर काम किया था, अच्छा काम किया था। जब से ये सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, भुखमरी, बेरोजगारी, काफ़ी दिक्कत लोगों में, परेशानी ज़्यादा बढ़ी। हम यही कहें कि सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े और माननीय अखिलेश यादव जी के फिर से मुख्यमंत्री बने। हमारा नाम जावेद अहमद, मानवाधिकार के जिलाध्यक्ष एवं सभासद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 5 नगर पंचायत भारतगंज के। इस खुशियों में आप भी शरीक थे जी, और शरीक हैं भी, शरीक हैं भी, और शरीक थे और शरीक रहेंगे जी। तो कुछ कहना चाहेंगे? कहेंगे हम लोगों ने इनको दिल से, तहे दिल से मुबारकबाद, और सारे नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं अपनी तरफ से और चमन भाई की तरफ से दिए हैं। और बाकी नगर पंचायत नया साल आने वाला है, अभी इस नए साल के उपलक्ष्य में सारे नगरवासियों को गणतंत्र दिवस और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं जी। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत न्यूज, सच के साथ साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।